नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अपने सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं आप सभी के साथ कि ये स्टॉक अगर इस भाव पे मिल जाए ना तो वो बहुत अच्छा मौका होगा। और अभी मैं जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, एग्जैक्टली वो अपने लॉन्ग टर्म चार्ट्स के सपोर्ट पे खड़ा है। सबसे कमाल की बात यह है कि रिसेंटली इस स्टॉक में एक अच्छा फॉल आया क्योंकि इसके नंबर्स खराब थे और उस फॉल के बाद ये स्टॉक और ज्यादा अच्छे लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। वन मोर थिंग, अगर ये तो नेगेटिव हो गया कि नंबर खराब थे, पॉजिटिव देखो तो रिसेंटली इसे एक मंजूरी मिली है म्यूचुअल फंड्स के कारोबार के लिए। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना और कवर करना। पहले स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा दोस्तों, नाम नोट कर लीजिए, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करें तो आप अच्छे से वाकिफ हो, इस बैंक से अच्छे से जानते हो। ऐसा नहीं है कि मैं नीचे से जा रहा हूँ बहुत खोजबीन करके कोई पैनी स्टॉक या माइक्रो कैप स्टॉक उठा के लाया हूँ। नहीं जी, ये अच्छी खासी बैंक है, दिग्गज बैंक है। 1,00,000 करोड़ के पार का मार्केट कैप है इस बैंक का। 2,000 करोड़ का सिंगल क्वार्टर में मुनाफा बनाती है बैंक। अच्छी खासी बैंक है, तो ये एक स्टॉक है जो मेरे को लग रहा है कि पैसा बना के दे सकता है। अब क्या लेवल्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं और कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ कवर करता हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले 1389 रुपीज़ पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगर आप इसका 52 वीक हाई देखोगे तो 1694 रुपीज़ का है। राउंड फिगर में कर दूँ तो 1700 रुपये का है। और 52 वीक लो देखोगे तो अराउंड 1329 रुपये का है, लगभग 1330 आप कह सकते हो, 1390-1330, यानी कि केवल और केवल 52 वीक लो से 60 रुपये ऊपर है। 4% के करीब की तेजी है आप कह सकते हो, यानी 52 वीक लो पे मिल रहा है आपको। आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाहता हूँ। कंपनी के अर्निंग्स बताना चाहूंगा दोस्तों, जून क्वार्टर में कंपनी ने 2150 करोड़ का मुनाफा पेश करा था। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो लगभग 2124 करोड़ के सामने 2152 करोड़ पे प्रॉफिट आया था, हल्की सी जंप थी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप थी, 2347 करोड़ के सामने 2152 करोड़ का प्रॉफिट था। इसके बाद स्टॉक में पिटाई भी आप सभी ने देखी, मार्जिन भी काफी टूटे थे, जिसके बाद पिटाई के बाद स्टॉक काफी ज्यादा रीजनेबल और काफी अच्छा हो गया ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस बैंक के टेक्निकल चार्ट्स को। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका 5 साल का चार्ट ओपन कीजिएगा। कोविड के समय से आपको दिखेगा ये स्टॉक कोविड से पहले अराउंड 1500 ट्रेड करता था। कोविड में स्टॉक में पूरी तरीके से गिरावट आई, खत्म हो गया एक तरीके से, 325 रुपए रह गया। फिर स्टॉक में रिबाउंड आया और रिबाउंड में स्टॉक ने 1200 रुपए की जर्नी दिखा दी 2021 तक। और गिरते गिरते स्टॉक ने अगेन 2022 में लो लगाया 800 रुपए का। फिर भागा स्टॉक और इस बार 1250 के आई लगे एंड गिरावट में स्टॉक ने लगभग 1000 के लो लगाए। इस बीच में आप नोटिस कर पा रहे हो कि जब स्टॉक चलता है तो एक हाई लगाता है, फिर जो गिर रहा है उस गिरावट के लो को ब्रेक नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, पहले 1200 का हाई था और 800 रुपए का लो लगाया, उसके बाद 1220 रुपए का हाई लगाया और लगभग आपके लिए 1000 रुपए के करीब का लो लगाया। ये दिखा रहा है आपको कि 800 रुपए का जो पहले का लो था उसके ऊपर का ही लो रहा 1000 रुपए का, और जो पहले हाई था 1200 उसके ऊपर का हाई लगा के आया 1250 रुपए के करीब का। तो एक क्लियर कट दर्शा रहा है कि भैया स्टॉक टेक्निकली कंटिन्यू एक डिप मारता है और फिर फ्रेश हाई लगाता है। अब इंटरेस्टिंग सुनिए, जब 1000 रुपए का लो लगाया ना स्टॉक ने और फिर चला और 1700 का हाई लगाया, यानी पहले 1250 का हाई था, सबसे पहले 1200 का हाई, फिर 1250 का हाई, फिर 1700 का हाई। अब लो की बात करें तो पहले 800 का लो, फिर लगभग 1000 का लो, और अभी ये फिर गिर रहा है। तो मेरे को लगता है ये जो गिरावट दिखाई है ना 1320-29 की, यही कहीं गिरावट होगी और मैक्सिमम लेवल पे गिरेगा भी तो ये 1150 तक आ सकता है। लेकिन जब ये चलेगा ना तो ये 1700 को ब्रेक करेगा, जो इसका चार्ट पैटर्न कह रहा है, क्योंकि ये हर बार फ्रेश हाई ब्रेक करता है। तो ये मेरे लिए एक स्टॉक है जहां मैं लेने के बारे में सोचूंगा। अभी टेक्निकली 5 साल में तो ये था, लेकिन अगर मैं छोटे टर्म में आऊं तो खराब नहीं, बहुत खराब चार्ट है, कंटिन्यू लोअर लोज है। इसी को मैं अगर 1 साल की बात करूं तो पहले आपके लिए 1570 के हाई थे, फिर 1530 के हाई रह गए, फिर 1450 के हाई रह गए, अगेन आपके लिए फिर एक 1430 का हाई है और अभी 1390 पे ट्रेड कर रहा है। तो 1430 के ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी तो ये लोअर लो की फॉर्मेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगी शॉर्ट टर्म में भी, और फिर आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई लग सकते हैं। बट जब तक नहीं हो रही है तब तक ये गिर रहा है। अब कितना गिरेगा नो वन नोज, मतलब एक ही स्टॉक में दो पैटर्न्स बन रहे हैं, हायर हाइज के भी और लोअर लोज के भी। 5 साल का चार्ट देखोगे, बड़े बड़े मूव्स देखोगे तो हायर हाई है, 1 साल का चार्ट देखोगे तो लोअर लो है।
अब हमें करना क्या है, हमें करनी है बाइंग शुरुआत, यानी बाइंग स्टार्ट करनी है। अब मैं करंटली 1390 पे है, 100 रुपये है मेरे पास टोटल, मैं 20 रुपये लगा दूंगा, फिर गिरेगा, एक फ्रेश लो मारेगा 1320 रुपये करीब, मैं एडिशनल 20 रुपये लगाऊंगा, फिर एक जंप मारेगा उस जंप को छोड़ दूंगा, फिर गिरेगा, फिर जो भी लो होगा वहां पे अगेन 20 रुपये लगाऊंगा, 5 टुकड़ों में पैसा लगाऊंगा 1150 तक। मेरे को पता है 1000 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि इसने प्रीवियस लो 1000 का ही लगाया था। अब दूसरी बात, इनकेस स्टॉक ब्रेकआउट दे जाता है तो जो भी आपके लिए स्विंग हाई होगा उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो आप एडिशनल सारा पैसा लगा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक साल में मैं, जैसा कि मैंने बोला, कंटिन्यू लोअर लो लग रहे हैं, प्रीवियस स्विंग ये भी मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 30 जुलाई के करीब 1430 के समथिंग का है। अगर ये 1440 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो जो 20 रुपये अभी लगाए हैं मैंने, 1440 के ऊपर एडिशनल 50 रुपये लगा दूंगा मैं, यानी टोटल 70 रुपये इन्वेस्टेड। उसके बाद अगर ये स्टॉक एक बार 1470 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है देन वो बचा हुआ 30 रुपये भी लगा दूंगा मैं, 1530 तक मैं टोटल इन्वेस्टेड हो गया 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस बनेगा मेरा जो भी इसका प्रीवियस लो होगा, फॉर एग्जांपल जहां पे मैं देख पा रहा हूं अभी 1430 का हमारा प्रीवियस लो निकल के आएगा उसका स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो ये मतलब काफी आपको लग रहा होगा कि उनको भाई झोल कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्लियरली, लेकिन आप इसको ना दो बार देखिएगा स्टॉक को, एक 5 साल का चार्ट देखिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप इजीली हायर हाई की, और एक 1 साल का चार्ट देखोगे एक लोअर लो की, आपके लिए लाइन ड्रॉ हो जाएगी, आप इन दोनों लाइनों को ही फॉलो करना है, दैट्स इट। ये स्टॉक मेरे को लगता है कि बढ़िया पैसा बना के दे सकता है। दूसरी बात, रेट कट हो रहा है तो उसका एक अलग बेनिफिट मिलेगा पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्षेत्र को। बाकी बैंकिंग क्षेत्र में मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे क्या पसंद है तो फिर वो ICICI बैंक पसंद है, लेकिन टेक्निकली बड़े पैसे बनाने की बात करें तो इंडसइंड बैंक आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए अच्छा दिखता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।